आखिर ऐसा क्या कह दिया अर्चना गौतम ने जिसके बाद जनता जो है वो बाहर काफी ज्यादा समर्थन कर रही है अर्चना का। और आपको बता दूं कि ये बात अर्चना जो है वो कह रही है शालीन भनोट को लेकर, लेकिन एक हिसाब से बाहर जनता ये प्रिडिक्ट कर रही है कि अर्चना गौतम ये बात एकदम सही कह रही है और कहीं ना कहीं ये बात एकदम सच होती हुई दिख रही है और एकदम रियल नजर आ रही है। क्योंकि जब से टीना दत्ता का घर से एविक्शन हुआ है उसके बाद से शालीन भनोट का जिस तरीके से गेम प्लान एक्सपोज हो रहा है तो लोग बाहर यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शालीन भनोट सच में डिप्रेस्ड थे या फिर वो चाह रहे थे कि घर से जब टीना जाएंगी तब वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उसके बाद ये अपना एक्टिंग छोड़ देंगे डिप्रेशन वाला। तो क्यों ये सारी बातें उठ रही हैं, क्यों ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और क्यों अर्चना को इन सब चीज़ों के बीच में तारीफ मिल रही है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो अर्चना गौतम जो बिग बॉस के घर में है, और एक एक चीज़ है जो अर्चना के साथ बिल्कुल गलत हुई, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब ताश वाला कार्ड वाला टास्क हो रहा था तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से इक्का जो पोजीशन था, जो इक्का वाला पोजीशन था वो अर्चना डिजर्व करती थी, क्योंकि अर्चना का वार कभी खाली नहीं गया है। अर्चना अगर आप देखोगे ना, नोटिस करोगे, अर्चना जाकर लोगों के बीच में बोल के झगड़े लगा देती हैं और अर्चना खुद साइड में हो जाती हैं। इक्का वही होता है जो अपने इशारे पर तुमको चला दे और हुक्म बोले ना, इक्का जो बाजी पलट दे। इक्का में वो बात, यानी अर्चना में वो बात है, वो बाजी पलट सकती हैं। और वहीं शालीन भनोट की बात करें तो जिस तरीके से शालीन भनोट इतने दिनों से शांत शांत नज़र आ रहे हैं, शालीन भनोट कभी कह रहे हैं कि मुझको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझको हंसी आ रही है, मतलब हंसी की आवाज़ें आ रही हैं, मुझको बहुत सारी चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो शालीन भनोट अब अचानक से टीना दत्ता का जैसे इविक्शन हुआ है वो शालीन भनोट एकदम खुश होते हुए दिख रहे हैं, मज़े करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पीनेस उनकी फेस पर दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगी, क्या वो सच में डिप्रेस थे। जिसके बाद अर्चना ने जो है, अभी एक प्रोमो आया जिसमें अर्चना किचन में बात कर रही हैं प्रियंका के साथ बैठ के, और बता रही हैं कि ये जिस तरीके से, मतलब बता रही हैं, अर्चना बताती हैं कि ये इस एक आदमी ने दो लोगों का छीछा लेदर करके घर पे भेजा है, एक सौंदर्या और दूसरी टीना। सौंदर्या जब घर से बाहर गई तब भी क्लास ले गई, छीछा लेदर हुआ, और अब टीना भी क्लास लगी, छीछा लेदर हुआ और उसके बाद घर से बाहर गई। और ये आदमी उन दोनों को घर के बाहर भेजकर इतना खुश हो रहा है, इसको बाद में अफसोस होगा कि इसने क्या किया है किसी के साथ, इसको बाद में पता चलेगा कि दो लड़कियों के साथ इसने किस तरीके का व्यवहार किया और किस तरीके की बातें की हैं। और कहीं ना कहीं अर्चना से बाहर सब अग्री भी कर रहे हैं कि अचानक से आपका डिप्रेशन गायब हो गया और आप डांस कर रहे हो, आप झूम रहे हो, आप नाच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा सवाल खड़ा करेगी कि आप सच में एक्टिंग कर रहे हो। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप भी अर्चना से सहमत है, क्या आपको भी लगता है कि शालीन भनोट एक्टिंग कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।